दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया की जो चिल्ड्रंस की जो पॉपुलेशन है उसका 50% पॉपुलेशन स्कूल नहीं जा पाते हैं, यानी कि 3 मिलियन चिल्ड्रंस स्कूल नहीं जाते हैं। और अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो 70 मिलियन चिल्ड्रंस स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी राइट टू एजुकेशन के राइट को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि इंडिया में जो ये राइट है, इस राइट से रिलेटेड, इस एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आए थे और इन्हें कैसे टैकल किया गया था, आज की इस वीडियो में इसी को समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन का राइट है इसकी इंटरनेशनली क्या पोजीशन है। तो UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका आर्टिकल 26 कहता है कि हर किसी के पास एजुकेशन होनी चाहिए। और अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करूं तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन तो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। दोस्तों, 1952 के यूरोप कन्वेंशन में भी यही कहा गया था कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। और दोस्तों, बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने बहुत से एफर्ट्स लगाए हैं ताकि जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में जो ये एजुकेशन का राइट है इसकी क्या पोजीशन है। देखिए, जो हमारी इंडिया है उसमें वर्ल्ड के 19% चिल्ड्रंस हैं, यानी कि सबसे ज्यादा यंगस्टर्स इंडिया में ही हैं। और दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि जो वर्ल्ड की इलिटरेट पॉपुलेशन है उसका 1/3 पॉपुलेशन इंडिया में ही है। और अगर लिटरेसी रेट की बात करूं तो इस लिटरेसी रेट की ग्रोथ भी बढ़ नहीं रही है। तो इन्हीं सब चीजों को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए, इस एक्ट ने हाईलाइट किया कि जिन बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच में है उन बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस एक्ट के कुछ मेन फीचर्स को जानते हैं। तो सबसे पहले बात की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की, और कहा कि जिन बच्चों की एज 6 से 14 साल के बीच में है उनके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी कहा कि किसी भी बच्चे को एक्सपेल नहीं किया जाएगा, उन्हें डराया धमकाया नहीं जाएगा। और इसके साथ साथ जब तक उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उन्हें बोर्ड में बैठना नहीं पड़ेगा। थर्ड, देखिए, अगर किसी बच्चे की उम्र 6 साल से ज्यादा है और अभी तक उन्हें अगर कोई भी एजुकेशन नहीं मिली है तो उनकी जो एजुकेशन होगी, जो उनकी क्लास होगी वो उनकी एज पे ही डिसाइड होगी। लेकिन अगर यहाँ पे अगर उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत भी पड़े तो उन्हें वो भी दी जाएगी। फोर्थ, देखिए, जो एलिमेंट्री एजुकेशन में जो एडमिशन होगा उस एडमिशन के लिए जो एज होगी उस एज फैक्टर को बर्थ सर्टिफिकेट से डिसाइड किया जाएगा। और लास्ट में इस एक्ट से ये भी कहा गया था कि जो टीचर्स होंगे उन टीचर्स के पास भी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और जो स्कूल्स होंगे वो भी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। देखिए, इस अमेंडमेंट का काम था हमारा जो राइट टू एजुकेशन है इसको प्रोटेक्ट करना। तो इस अमेंडमेंट से 3 चेंजेस आए। सबसे पहले पार्ट 3 में आर्टिकल 21A को ऐड किया गया, जिससे यह कहा गया कि जिन भी बच्चों की एज 6 से 14 साल तक की होगी उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, इससे इंडिया ऐसी 135th कंट्री बन गई जिसने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बताया। सेकंड, देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 है उसमें चेंजेस लाए गए, उसे मॉडिफिकेशन की गई और एक कहा कि ये स्टेट की ड्यूटी बनेगी, यानी वो स्टेट इंश्योर करेंगे कि बच्चों की केयर की जाए और उन्हें एजुकेशन दी जाए। और लास्ट में आर्टिकल 51A में एक क्लॉज के ऐड किया गया। देखिए, इस फंडामेंटल ड्यूटी का काम था कि कोई भी पेरेंट या फिर गार्डियन, उनकी ये ड्यूटी बनेगी कि वो जो भी बच्चे जिनकी एज 6 से 14 साल के बीच में होगी उनको एजुकेशन दी जाए। तो चलिए इस राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ केसेस को जानते हैं। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन बेंच था जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह और RM साहा ने ये कहा था कि जो ये राइट टू एजुकेशन है
राइट टू एजुकेशन इज एसेंस ऑफ राइट टू लाइफ। और ये भी कहा था कि किसी की भी लाइफ में डिग्निटी के लिए राइट टू एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों, जो ये केस है हमारा, इस केस की जो वैलिडिटी थी वो जेपी उन्नीकृष्णन केस में चेक हुई थी। तो इस केस में कहा गया था कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इसका मतलब है कि हमारे पास, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है कि वो स्टेट को बोल सकते हैं कि उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज दी जाए। तो दोस्तों, बेसिकली इन सब केसेस से ये बताया गया था कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज होल अबाउट राइट टू एजुकेशन। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।